बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब तुम यीशु मसीह को पालोगे तो तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, सताव नहीं आएगा, आजमाइशें नहीं आएंगी, कहीं नहीं लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि चाहे परीक्षाएं हों, चाहे सताव हो, चाहे आजमाइशें हों, अगर हम विश्वास करेंगे तो यीशु को अपने साथ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षाओं से भागना और परीक्षाओं का सामना करना, ये दो चीजें आपके जीवन में होती हैं। अक्सर देखा गया है कि हम परीक्षाओं से भाग जाते हैं, परीक्षाएं आती हैं, हम घबरा जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं और कोई समाधान हम नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि जैसी ही परीक्षाएं आती हैं, हम परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, हम उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं कि क्या है पिता, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। बाइबल कहती है कि परमेश्वर परीक्षाओं में आपको संवारता है, आपके स्वरूप को, आपके स्वभाव को परमेश्वर परीक्षाओं में संभालता है। बाइबल में लिखा हुआ है ना कि टूटे मन के पास, टूटे मन वाले मन के पास परमेश्वर रहता है, 34:18। आमीन। वचन मत निकालिए। टूटे मन वालों के पास परमेश्वर रहता है। क्यों? क्योंकि आपका मन जब टूटता है तो आप परमेश्वर के और, परमेश्वर को और करीब पाना चाहते हैं। परीक्षाओं में इंसान भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि आप परमेश्वर के संग जुड़े नहीं है, आप परमेश्वर के संग जुड़े नहीं है, इसलिए आप भागते हैं। अगर आप परमेश्वर के संग जुड़े होंगे तो परीक्षाओं से भागेंगे नहीं, परीक्षाओं का सामना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं। अंधकार की शक्तियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चाहे कोई परीक्षा हो, चाहे कोई विपत्ति हो, मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, मुझे कोई हानि नहीं होगी। आमीन। ये स्वभाव, ये विचार आपके मन में हमेशा रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही परीक्षाएं आती हैं, आप सोचते पता नहीं क्या हो गया। आप एक पल को भी समझने की कोशिश नहीं करते कि क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है। अगर आप सोच के बैठेंगे, समझेंगे तो जरूर आपको आंसर मिलेगा। लेकिन जैसी परीक्षाएं आती है, बेचैन हो जाते हैं। अरे, जैसे भूचाल आ गया, अरे इतना गहरा संबंध टूट गया, मेरा धंधा इमीडिएट गया, मेरी सर्विस इमीडिएट, क्या हो गया, असंभव चीजें हो गई, जिसका मैंने सोचा नहीं था वो चीजें मेरे जीवन में हो रही हैं। आप बौखला जाते हैं, आप बौखला जाते हैं और बौखलाहट में फिर आप गलतियां करते हैं। आप भूल जाते हैं कि पिता मेरा है, मेरा भविष्य मेरे पिता के पास है, मेरे हाथ में नहीं है, मेरा सुख उसके हाथ में, मेरा अच्छा ही होगा, मेरा बुरा हो ही नहीं सकता। यूसुफ, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ दास था, याकूब का बेटा, राहेल का पुत्र, उसको अंग रखा बना के दिया था याकूब ने। 12 में से सिर्फ एक के पास अंग रखा था। किसके पास था? यूसुफ के पास।
और वो इतराता था। उसको परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बताया था कि तू कौन है, क्या होगा तेरे जीवन में, क्या होने वाला है, चांद और सितारे तेरे सामने झुकेंगे। लेकिन उसके भाई उससे नफरत करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे। आपको पता है ईर्ष्या, ईर्ष्या एक ऐसा पाप है। अगर आप में ईर्ष्या आ गई तो आप उस पाप से निकल नहीं पाएंगे। कभी भी अपने अंदर ईर्ष्या मत आने दीजिए। यूसुफ के भाइयों के अंदर ईर्ष्या आ गई थी और ईर्ष्या इस कदर उनके अंदर बस गई कि वो यूसुफ को मार देना चाहते थे। ईर्ष्या जब आती है तो शैतान आपके जीवन में काम करता है और आप कहते हैं जिसके लिए ईर्ष्या है उसको खत्म कर दो, मेरे जिंदगी के मेरे सामने से निकाल दो उसको मैं। ईर्ष्या वो चीज है, ईर्ष्या वो पाप है, ईर्ष्या वो विचार है, ईर्ष्या वो स्वभाव है जो आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। इमीडिएट आपकी बुद्धि बंद हो जाती है ईर्ष्या में। यूसुफ के भाइयों की बुद्धि बंद हो गई थी। जैसे उसने देखा कि यूसुफ आ रहा है दोतान में तो उसने कहा कि इसको मार देते हैं। रूबेन ने कहा कि नहीं नहीं यार, मारते क्यों, हमारा भाई है, हमारा मांस हमारी हड्डी है, इसको गड्ढे में डाल देते हैं। यूसुफ जो कि अपने पिता का चहेता था और अपने भाइयों से भी बहुत प्यार करता था, जैसे ही उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, हेलो, वो बहुत बोलता था अपने भाइयों के बारे में, अपने पिता को बताता था, लेकिन जैसे ही उसका अंग रखा और निकाला और उसे गड्ढे में डाला वो शांत हो गया। जिस पल यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई, देखिए आप समझकर इन वचनों को समझने की कोशिश करिए, जैसे ही उसके जीवन में परीक्षा आई वो शांत हो गया, चिल्लाया नहीं। बाइबल में नहीं लिखा कि भैया याकूब, यहूदा, रूबेन भाई मुझे बचा लो, मैंने क्या किया है, नहीं कहा उसने, शांत हो गया। यानी कि यूसुफ परमेश्वर से जुड़ गया। आप अपनी परीक्षाओं में अकेला क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के संग जुड़े नहीं हैं। आपको परमेश्वर की शक्ति का एहसास नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है। जैसे ही वो गड्ढे में गिरा यूसुफ, उसी पल उसने उस परीक्षा को अपनाया, उसने परीक्षा का सामना किया और चुप हो गया और क्या किया, परमेश्वर के संग जुड़ गया। आमीन। हम परीक्षा में परमेश्वर से दूर हट जाते हैं, हम दोष लगाते हैं, क्या पिता, क्या परमेश्वर, इतने दिनों से हम जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, ये दिन दिखाया तूने हमको, हमारा धंधा चौपट हो रहा है, अचानक नौकरी चली गई, कल तो अच्छा सा सब कुछ और आज क्या हुआ कि अचानक बॉस ने कहा कि नहीं तुम काम नहीं करोगे, मेरी पगार भी तो रोक ली, अचानक क्या हुआ, जिससे मैं प्यार करता था, जिससे मैं प्यार करती थी, अचानक उसने धोखा दे दिया, अचानक क्या हुआ, क्या हुआ, अरे प्रभु ये मेरे साथ ही होना था, क्यों आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के संग जुड़े नहीं हैं। आमीन। आप नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। आमीन। आप नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है, परमेश्वर आपको संवारना चाहता है। परीक्षा ही वो स्थिति है, परीक्षा ही वो पल है जब परमेश्वर आपको तोड़कर बनाता है। कुमार कैसे बनाता है, कुमार कैसे बनाता है, खिलौना, जब तक उस मिट्टी को, डेले को तोड़ता नहीं है, क्या बनाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि परमेश्वर आपके अहम को तोड़ता है, आपके स्वार्थ को तोड़ता है, आप में से लालच निकालता है, आपके अंदर अहम की जो भावना होती है कि मैं बनाने वाला हूं, अपने जीवन को मैं बनाने वाला हूं, अपने भविष्य को, उस भावना को तोड़ता है और फिर एहसास दिलाता है कि मेरे बिना कुछ भी नहीं है तू, फिर आपको बनाता है वो। आमीन। हेलो, मैं आपको सच बताऊं, आपका असली स्वरूप परीक्षा के बाद ही बनता है। अगर आप परीक्षा में नहीं पढ़े हैं तो प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल। यस, क्योंकि मैं मजबूत होना चाहता हूं, मैं मजबूत होना चाहता हूं, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझे बना, तू मुझे अपने अनुसार बना, उसने अपने स्वरूप में ढाल, पूरी तरीके से तेरा स्वभाव मेरे अंदर आ जाए। जैसे यूसुफ पूरी तरीके से चुप हो गया, उसने परीक्षा को स्वीकार किया। हालेलुया। और इसीलिए जब वो मिस्र पहुंचा, 39:9, जैसे वो मिस्र पहुंचा और वहां पर पोतीपर नाम का एक व्यापारी था, उसके घर में वो गुलामी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी उसकी गलत निगाह थी यूसुफ के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसको पाना चाहती थी, उसके शरीर को पाना चाहती थी, और यूसुफ ने मना किया कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ था। वो क्या कहता है 39:9, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? आमीन। किसने उसे गुलामी के उस पर रखा था? किसने, कौन था मालिक उसका? पोती पर। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन गुलाम था? गुलाम किसका गुलाम था? वो पोती पर का। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता। आमीन। आमीन। उसने ये नहीं कहा कि मैं पोती पर का अपराधी बनना नहीं चाहता हूं, उसने कहा मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। आमीन। आप अगर परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो कोई भी परीक्षाएं आप पास कर लेंगे। जुड़ने का मतलब क्या है कि मैं परमेश्वर के अनुसार चलूं। अगर आप परीक्षाओं में परमेश्वर के अनुसार काम करेंगे तो परीक्षाएं आपको बोझिल नहीं लगेंगी, आप परीक्षाओं में यूं पार कर जाएंगे उस समंदर को। प्रेज द लॉर्ड। एक साल वो पोतीपर के घर में रहा और 12 साल वो जेल में रहा यूसुफ। और आप सबको पता है कहानी कि 12 साल यानी कि टोटल 13 साल के बाद उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। 13 साल की परीक्षाएं उसके जीवन में थी। उसने क्या किया था, क्या किया था मुझे बताइए। आमीन। आप कभी कभी सोचते हैं कि मेरे जीवन में परीक्षा क्यों आई, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है जो मेरे जीवन में परीक्षाएं आ गई। मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त, मेरी सहेली, मेरा बॉस, उनकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, मैंने क्या किया है। यूसुफ ने क्या किया था, कौन सी बड़ी दुश्मनी कर दी थी उसने अपने भाइयों के लिए, निंदा करने का उसके पास वो था, मौका था। वो परमेश्वर से बोलता कि मेरे भाइयों ने मुझे क्यों भेज दिया, मैंने क्या किया है। हेलो, निंदा करने का, बहाना करने का था ना उसके पास कि मैंने अपने भाइयों का क्या किया है। आपके पास सवाल आते हैं ना कि मैंने अपनी बहन का क्या किया है, मैंने अपने पिता का क्या किया है, मैंने अपने बॉस का क्या किया है। आमीन। लेकिन यूसुफ ने एक सवाल नहीं किया, यूसुफ ने उस परीक्षा को स्वीकार किया, उस परिस्थिति को स्वीकार किया और परमेश्वर से जुड़ गया। आमीन। कि मुझे परमेश्वर के अनुसार जीवन को बिताना है, मेरा मकसद सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना है,
जिस दिन आपका मकसद परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा, कोई भी परीक्षा परीक्षा नहीं रह जाएगी आपके जीवन में। इसलिए यूहन्ना, इसलिए याकूब 1:12 क्या लिखा है कि धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। James 1:12, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमेन। आप स्थिर कब रहेंगे? क्या लिखा है? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कब रहेंगे आप स्थिर? जब आप परमेश्वर से जुड़े होंगे, जब आप उस परीक्षा का अंत जानेंगे, जब आपके लिए परीक्षा परीक्षा नहीं रह जाएगी। आमेन। कोई आमेन नहीं बोलिए, समझ रहे हैं आप? आमेन। जब परीक्षा परीक्षा नहीं रह जाएगी, कब नहीं रहेगी परीक्षा आपके लिए? परीक्षा कब नहीं रहेगी? जब आप जानेंगे कि परीक्षा का कोई अंत नहीं है, परीक्षा कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। यूसुफ जब परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ था, उसके लिए गुलामी कोई मायने नहीं रखती थी। उसने गुलामी को हंसी खेलते हुए बिताया। वो जेल में था, उसने कोई खून नहीं किया था, हत्या नहीं की थी, उसको झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया था, उसने स्वीकार किया। और जेल में उस एटमॉस्फेयर में रहकर परमेश्वर का आशीष पाया और दूसरों की मदद करता रहा, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता रहा। आमेन। क्यों बनता रहा? क्यों दूसरों के लिए आशीष का कारण बना परीक्षा में? क्योंकि उसने परीक्षा को परीक्षा नहीं समझा। आप परीक्षा को परीक्षा समझ, अरे अब क्या होगा मेरे जीवन में, ये सर्विस छूट गई अब क्या होगा, ये अगर ऑर्डर निकल गया अब क्या होगा, मेरा पैसा किसी ने मार लिया अब क्या होगा, क्या होगा मेरे जीवन में? जब आपको परीक्षाएं पहाड़ की तरह लगे अपने जीवन में, तो आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के संग नहीं जुड़े हुए हैं। अगर परीक्षाएं आपको पहाड़ लगती हैं अपने जीवन में, आपकी रातों की नींद छुई में ही हो गई, रातों को आप सो नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर से जुड़े होंगे तो परमेश्वर आपके मन में शांति डालेगा। आमेन। परमेश्वर आपके मन में क्या डालेगा? शांति लाएगा, क्योंकि वह बता रहा है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि परमेश्वर उस मनुष्य को मुकुट देने वाला है। आमेन। क्या आपके लिए वैल्यू रखता है, मुकुट या परीक्षा? क्या जरूरी है आपके लिए, मुकुट या परीक्षा? आमेन। तो परीक्षा को क्या समझेंगे आप? अगर परीक्षा को आपने समझ लिया, अरे ये परीक्षा मेरे जीवन में है और अब तो निकलना मुश्किल है, तो आपको मुकुट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने परीक्षा के समय उस परमेश्वर से जुड़े ही नहीं है आप। इसलिए लिखा हुआ याकूब 1:2-3-4 साफ साफ लिखा हुआ, जब जब तुम परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। पढ़े बेटा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमेन। देखिए, सिर्फ बाइबल ही है जो आपको खरी शिक्षा देती है, जो आपको ऐसी शिक्षा देगी जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। आप बाइबल को समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे। कोई अनजान आदमी अगर बाइबल पढ़ेगा और यह वचन पढ़ेगा तो विभिन्न परीक्षाओं में, अगर तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, तो आदमी समझेगा क्या है यार, ये बाइबल है, परीक्षाओं में पढ़कर हम आनंद कैसे महसूस कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर बता रहा है, याकूब की पत्री बता रही है कि विभिन्न परीक्षाओं में पढ़कर आनंद की बात को समझो।
क्योंकि परीक्षाओं में ही परमेश्वर आपके मन को संवारता है, आपके मन को शक्तिशाली बनाता है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है इसराइलियों को उसने भूखा रखा। व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा हुआ है कि उसने खाना नहीं दिया, भोजन नहीं दिया इसराइलियों को, और भूखा रखा। और जब उनकी भूख बढ़ गई तब उसने मन्ना भेजा। आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आप नहीं समझ सकते। परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करता है, आपको आपसे ज्यादा प्यार करता है। आप अपने शरीर से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपकी रूह से प्यार करता है, आपकी आत्मा से प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परीक्षाएं जब भी आए आप उनको स्वीकार करिए, आप उनका सामना करिए और परमेश्वर के संग जुड़ जाइए। हालेलुया। आपको याद है इब्राहिम के बारे में, उत्पत्ति 22:1-5 के बीच में इब्राहिम को, आपको पता है कि जब इब्राहिम 75 का था, अगर आप उत्पत्ति 12 पढ़ेंगे तो आपको 12वें में पता चलेगा, जब वो 75 का था तब परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा की थी, उसको वादा किया था कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। कब था? जब वो 75 ईयर्स का था, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तुझे और सारा को एक प्रतिज्ञा का वारिस दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो 100 साल का हुआ तो परमेश्वर ने बच्चा दिया, लेकिन जब वो 137 साल का हुआ, यानी कि 57 साल के बाद परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। कितने साल के बाद? 57 ईयर्स आफ्टर 57 ईयर्स वो परमेश्वर के लिए अपने घर को छोड़ के आ गया। हालेलुया। उसने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर, लेकिन चूंकि परमेश्वर उसके द्वारा इतिहास बनाना चाहता था, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। कब की? जब वो 57 साल का था। ये 57 साल के बाद, जब वो 137 साल का था। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या किया उसने? पढ़िए बेटा, 1-5 पढ़िए, 1-4 पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आमीन। ये क्या आया? परीक्षा आ गई अचानक। हेलो, मेरी तरफ देखिए। अचानक एक परीक्षा आ गई इब्राहिम के पास, कभी सोचा नहीं था उसने। इस समय इसाक 30-32 साल का होगा। उसने कभी सोचा नहीं कि जिस पिता ने मुझे 100 साल में बच्चा दिया है, 90 साल में मेरी बीवी थी, आज पिता कह रहा है मेरा पुत्र जिसको मैं प्यार करता हूं, जो मेरा इकलौता पुत्र है, उसको तू बलि चढ़ा। आमीन। असंभव चीजें, जब आपके जीवन में असंभव होने दीजिए, होने जब शुरू हो जाए, जब आपने सोचा नहीं था कि यहां से मुझे परीक्षा आएगी, ये भाई, ये बहन, ये आदमी मेरे जीवन में परीक्षा लेकर आएगा, ये मुझे तोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई ऐसे जीवन में आपके आते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब अचानक आपके जीवन में अंधकार छा जाता है। अरे ये क्या हुआ? जिससे उम्मीद नहीं थी उसने आपका चाकू फोका। आमीन। हेलो। परमेश्वर जो कि इब्राहिम से बहुत प्यार करता था, आपको नहीं पता कि परमेश्वर का यह तरीका है, जब आपसे वो बहुत प्यार करता है ना,
आपको संवारने के लिए आपके जीवन में परीक्षा लेकर आता है। यस, अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, धन्यवाद दीजिए। लिखा हुआ है कि विभिन्न परीक्षाएं जब भी आती हैं तो आनंद की बात समझिए। अगर आप आनंद की बात नहीं समझेंगे ना, तो आप अपने स्वभाव को गिरता हुआ देखेंगे। जिसने आपको धोखा दिया, आप उसको गाली देंगे, मैं तो जानता था तू ऐसा ही होगा, गाली देना शुरू। क्या किया आपने? आप परमेश्वर से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि आपने अपने स्वभाव को, कौन सा स्वभाव आपके अंदर है? परमेश्वर का। हेलो, आप परमेश्वर के पास कैसे रहेंगे? जब आप परमेश्वर के स्वभाव में बने रहेंगे। परमेश्वर के संग कैसे रहेंगे? जब आप परमेश्वर के स्वभाव में बने रहेंगे। जैसे आपको अचानक बातें हुई कि साहब किसी ने धोखा दिया, मेरे मालिक ने पैसा हड़पा, मेरी पत्नी ने दिया, मेरे पति ने ये किया, वो किया, वो किया, और अचानक जब आपके जीवन में कोई असंभव चीज आई, आप नेगेटिव हो गए, आप भूल गए कि इस सिचुएशन में लाने के लिए ये जो आदमी है या ये जो औरत है, इसका दोष नहीं है, अंधकार की शक्तियां हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। आप भूल गए, इसकी गलती नहीं है, अंधकार की शक्तियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इब्राहिम ने क्या किया? जैसे इब्राहिम के सामने ये आया, प्रस्ताव आया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे इकलौते पुत्र जिसको तू प्रेम करता है, मोरिया पर्वत पर जा और उसको मेरे लिए बलि कर दे। क्या किया इब्राहिम ने? आगे पढ़िए बेटा। अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर, एक मिनट, क्या किया उसने इब्राहिम ने? उसके जीवन में ऐसी परीक्षा आई कि उसके इकलौते पुत्र की बलि करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। किसने कहा है? परमेश्वर ने। क्या किया इब्राहिम ने? उसी पल परमेश्वर के संग जुड़ गया। आमेन। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे अपने बेटे की बलि करनी है, मुझे क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठ गया, सुबह सुबह उठ के कुछ नहीं कह रहा, अपनी पत्नी को नहीं बोला उसने, सुबह सुबह लकड़ी तैयार कर रहा है, गधों की लाठी तैयार कर रहा है, लकड़ियां रख रहा है। परमेश्वर ने नहीं कहा था लकड़ी लेकर आ, वो बहाना कर सकता था वहां मौरिया पर्वत पर जाकर कि साहब बेटा तो मैं लेकर आ गया हूं, लेकिन तूने लकड़ी लाने के लिए नहीं कहा था। उसने कहा नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि बलिदान कर, मुझे बलिदान के लिए लकड़ी चाहिए। आमेन। क्या किया? वो जुड़ गया परमेश्वर के साथ। यस, अब मुझे परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। आमेन। हालेलुया। एक पल भी उसने नहीं सोचा, एक पल भी उसके अंदर निंदा का विचार नहीं आया, एक पल भी वो चिल्लाया नहीं कि पिता ये तू क्या कर रहा है। जुड़ गया परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर के लिए क्या करना है, गधे को तैयार करना है, लकड़ी रखनी है, आरा रखना है, लकड़ी को चीर कर रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे मोरिया पर्वत जाकर उसको बलिदान करना अपने बेटे को। आमेन। वचन क्या बताता है? वचन बताता है मेरे भाई कि जब भी आप परीक्षा में पड़े, परमेश्वर के संग जुड़ जाइए, परमेश्वर के संग जुड़ जाइए, परमेश्वर के हो जाइए। अपने आप को हम मुझे गलत नहीं साबित करना है, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले परमेश्वर के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, नहीं। आप की सिचुएशन को कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? मनों को बदलने वाला कौन है? आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोलने वाला कौन है? आमेन। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग के झरोखे खोल दे, तो परीक्षाओं में परमेश्वर से जुड़े रहिए। चाहे मेरे जीवन में परीक्षाएं हैं, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है।
मुझे नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। मैं कोई अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकालूंगी या निकालूंगा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। नहीं, मुझे परमेश्वर के अनुराग अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुराग काम करना है। इब्राहिम परमेश्वर के संग जुड़ गया। उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है आपको? उड़ाऊ पुत्र जिसने पाप किया, जिसने अपने पिता से कहा कि भाई मेरी दौलत दे, मेरा हिस्सा दे, मैं जा रहा हूं, दे मेरा हिस्सा। पिता ने दे दिया, तेरा हिस्सा ले, और उसने दूसरे देश में जाकर अपना हिस्सा उड़ाया, अय्याशी की, शराब पी, पाप किया उसने, और एक पल ऐसा आया कि उसका सब कुछ चला गया। उस देश में अकाल आया और वह सूरों को चलाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे उसे एहसास हुआ कि मैंने पाप किया है, उसने पहला शब्द क्या किया? वो परमेश्वर के संग जुड़ गया कि मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। आमेन, आमेन। उसका पश्चाताप क्या था? कि परमेश्वर से जुड़ना, मैंने इतनी गलतियां की हैं, मुझे परमेश्वर से जुड़ना है। मेरी बहन, आपको परमेश्वर से जुड़ना है। जो परीक्षाओं से भागते हैं वो परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं होते। इसलिए जरा सी परीक्षाएं आती हैं, आप परमेश्वर को निंदा देने लगते हैं, आप चर्च को निंदा करते हैं, आप पास्टर को निंदा देने करने शुरू कर देते हैं। अरे यार, इतने सालों से चर्च जा रहे हैं और ये देखो, लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, मुझे तो बताते हुए शर्म आती है कि मैं चर्च जाता हूँ। मैं कितनी लड़ाई ली थी अपने भाभी से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने पिता से कि मुझे चर्च जाना है, मुझे चर्च जाना, चर्च जाना। अब उनको मैं क्या बताऊँगा कि मैं इतने सालों से चर्च जा रहा हूँ और मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरी बेटी की शादी टूट गई। क्योंकि आप परमेश्वर के संग जुड़े नहीं थे, इसलिए आप इस परीक्षा को परीक्षा समझ रहे हैं कि यह परीक्षा आपका अंत करेगी। अगर आप परमेश्वर के संग जुड़े होते तो आप धन्यवाद देते, क्योंकि इस परीक्षा के बाद परमेश्वर आपको मुकुट पहनाता है। परीक्षाएं तो आपके जीवन में आएंगी, बाइबल कहती है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के संग जुड़े हैं तो उन परीक्षाओं में आप यीशु को अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। यस मेरे भाई, आपका मन व्याकुल हो सकता है। अभी भजन संहिता 43 का 5 अमितेश बोल रहा था, उसको मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, 43 का 5। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? कब गिरा जाता है? जब आप परीक्षा में व्याकुल हो जाते हैं, आप समझते हैं मेरा प्राण गया, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं है, कुछ सहारा नहीं रह गया है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है जो मुझे आके पकड़े, या मैं किसी को पकड़ूं, कोई नहीं है। आप अपने प्राण में इस तरीके से गिर जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि अब मेरा अंत आ गया है। मन आपका बताता है कि आपका अंत आ गया है, शैतान आपको बताता है कि आपका अंत आ गया है। इसलिए वो कहता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परीक्षाओं में हम बाहर से तो दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, अरे वाह बहुत, हम सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को पता ना लगे, सामने वाले को लगे कि अरे नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर व्याकुल है, क्योंकि आप परीक्षाओं से डरे हुए हैं। आपका प्राण गिरा जाता है कि अब क्या होगा मेरा, कौन मुझे सहारा देगा, कौन है जो मुझे समझेगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि अगर तेरा प्यार सच्चा है,
अगर तेरे प्यार में पवित्रता है, अगर तू यीशु के संग जुड़ा है, तो जीत तेरी होगी। हम परीक्षाओं में अपने चरित्र को खो देते हैं। यस, परीक्षाओं को समझना आसान नहीं है। जरा सी परीक्षाएं हमको अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को खो देते हैं। हम अपने मुंह से गालियां निकलते हैं। परमेश्वर को कभी दोषी बना देंगे, कभी किसी को दोषी बना देंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि नहीं, हमें अपने प्राण को गिराना नहीं है। क्या आपका प्राण इतना हल्का है क्या? आमीन। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो तेरे मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो तेरे मुख की खुशी। आमीन। आप नहीं जानते परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आप ईमानदारी से अपना जीवन बिताइए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आप ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के संग ईमानदारी के संग जुड़े हुए हैं, कोई भी परीक्षा आपको नीचे नहीं कर सकती है। इसलिए अपने आप को व्याकुल मत होने दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। व्याकुल कौन करता है? शैतान। शैतान आपके मन में लेकर आता है कि नहीं, अब बस, अब खत्म हो गया। नहीं मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे बच्चे, अभी तो शुरुआत हुई है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे चर्च में बहुत से लोग आते हैं, कई लोग जाते भी हैं। वो कौन है जो जाते हैं? यहाँ सब चिन्ह चमत्कार होते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के संग जुड़े नहीं हैं। आपको पता ही नहीं है क्यों मैं 3 दिन की मीटिंग रख रहा हूं, क्योंकि आप 3 दिन की मीटिंग में जुड़ जाइए। अगर आप जुड़ेंगे तो ही आशीष मिलेगा। लोग हिमाचल प्रदेश से इस मीटिंग के लिए आ रहे हैं परसों, हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं लोग, और आप लोग यहां रहते हुए भी हमें 50 बार बोलना पड़ता है, आइए 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 आइए। आप कहते नहीं नहीं नहीं, तो क्या कर लेंगे? संसार में रहकर हम भी देखते हैं। फिर आप फोन करते हैं कि पास्टर आज ये हो गया, आज वो हो गया। हेलो। आप रोज महसूस करते हैं कि आपका प्राण गिरा जाता है, आपका प्राण गिर रहा है। एक व्याकुलता आपके अंदर आती है, एक डर आपके अंदर आता है। क्यों क्यों डरना है हमें? मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, भजन संहिता 119:71। मुझे दुख से क्यों डरना है? मुझे आजमाइशों से क्यों डरना है? भजन संहिता 119:71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमीन। हेलो। मुझे जो दुख हुआ तो अच्छा ही हुआ। आप मुझे बताइए, आप कलीसिया कब आए? जब आप दुखी थे तब आए? किसी भाई बहन से कहा, अरे यार मैं बहुत दुखी हूं, चलो भी हमारे संग कलीसिया चलो, अच्छा होगा, इसलिए आए? आमीन। तो धन्यवाद दीजिए अपने दुख को। मुझे जो दुख हुआ तो अच्छा ही हुआ, अगर दुख ना होता तो मुझे यीशु नहीं मिलता। आमीन। अगर मेरा बच्चा बीमार नहीं होता तो मुझे यीशु नहीं मिलता। अगर मैं एग्जाम में फेल नहीं होता मुझे यीशु नहीं मिलता। अगर मेरा धंधा चौपट नहीं होता मुझे यीशु नहीं मिलता। धन्यवाद कि मुझे यीशु मिला। हालेलुया। तो दुख का बहुत महत्व है आपके जीवन में, उसको समझिए। व्याकुल रहकर कराते कराते जीवन नहीं बिताना है हमको।
कि हम रोज चरपाई पे बैठे हुए करा रहे हैं, मुरझा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जुड़े नहीं हैं। मैं चाहता हूं मेरे परिवार का हर बच्चा परमेश्वर के संग जुड़ जाए, और जब परीक्षाएं आए तो वो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर सफलता का आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों के तरीकों को समझिए आप। निर्बलता में ही मेरा प्रेम सिद्ध होता है। दूसरा कुरिन्थियन 12 का 9 पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियन 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। कैसे? जब आप निर्बल होंगे, जब आप कहीं से आपको उम्मीद नहीं होगी, जब आपके लिए हर रास्ते बंद होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको आप हाथ पकड़ें और अपना बना लें, और जब उस समय जब आपकी निगाह परमेश्वर पर होगी तो आप उसके अनुग्रह को समझ पाएंगे, आप उसके अनुग्रह को देख पाएंगे। उस पूरे अंधकार में परमेश्वर की ज्योति आपको दिखेगी। आमीन। इसलिए वो कहता है कि मेरी निर्बलता, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि निर्बलता मेरी सामर्थ्य, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, क्योंकि तू उस सामर्थ को स्वीकार करता है, क्योंकि तू जान गया है। उस समय यूसुफ जान गया था कि अभी कोई नहीं है मेरा। आप सोचिए, मेरे 11 भाइयों ने मुझे बेच दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, अगर आपका भाई आपको बेच रहा है, यूसुफ देख रहा है मेरे 11 भाई जिनको मैं भैया बोलता था, मुझे धोखा दिया उन्होंने, तो आपके लिए क्या उम्मीद रह गई? कोई उम्मीद रह गई किसी से? किससे आप मांगेंगे? मेरा भाई मुझे बेच रहा है, मेरी बहन मुझे धोखा दे रही है, तो मैं किससे उम्मीद करूं? मेरा पिता मुझे धोखा दे रहा है, मेरी मां मुझे धोखा दे रही है, मैं किसके पास जाऊं? कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद हो गए। लेकिन उस अंधकार में आपको ज्योति तब दिखेगी जब आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के संग जुड़े होंगे, आप उसकी ज्योति को देखेंगे। इसलिए चाहे परीक्षाएं आए, चाहे कुछ भी आए, आप अपने आप को परमेश्वर से जोड़ के रखिए। परमेश्वर जो कहता है वही करिए, बस परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार चलिए, आप विजयी होंगे। और उन परीक्षाओं में पॉजिटिव बोलिए। आप परीक्षा में हैं, कोई कहता बहन कैसी है, मैं बहुत आशीषित हूं, मैं बहुत सुखी हूं, धन्यवाद परमेश्वर का, परमेश्वर मेरे साथ है। तेरी नौकरी छूट गई, तेरा धंधा गया, तेरे अपने तेरे पराये हो गए, मेरा पिता मेरे साथ है। आमीन। आप अपनी आशीषों के लिए अंगीकार करिए, धन्यवाद दीजिए। अय्यूब को पूरे जख्म हो गए थे, पूरे शरीर में, उसके बच्चे मर गए, उसकी धन का, उसका नौकर चाकर सब खत्म हो गया। 19 का 25 और 26 निकालिए, और अय्यूब, जोब 19:25-26, कुछ भी नहीं था उसके पास, पूरे शरीर में फफोले थे। उसके दोस्त उसे कह रहे हैं, अरे तूने कुछ गलत काम किया इसलिए ऐसा हो रहा है।
उसके दोस्त उसके साथ नहीं, कोई नहीं था उसके साथ, उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया, उसने बीवी ने कहा निंदा कर, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर को पकड़े हुए था, उसने परमेश्वर को थामे हुए था, वो क्या कहता है 19:25 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। उसके दोस्त देख रहे हैं कि ये पूरे तरह कंगाल हो चुका है, इसके भेड़ ऊंट बकरी नौकर चाकर धंधा पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, इसके बच्चों का कहीं पता नहीं, खत्म हो गया है, इसकी बीवी इसके अलग चली गई है, इसके नौकर चाकर इसके खिलाफ है, नहीं खत्म होते हैं, उसके बावजूद भी वो क्या कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला एक दिन आएगा सामने, क्योंकि वो परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इतनी परीक्षा के दरमियान भी जीवित है और शांति के साथ है। 26वां क्या कहता है, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन। आप भी अंगीकार करना सीखिए, क्या कहता है अय्यूब कि मेरे खाल के नाश होने के बावजूद भी, क्या कहा उसने, कितना बड़ा आशा है उसके साथ, वो कितनी शिद्दत के साथ परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ है, इतना सब कुछ खोने के बाद भी वो क्या कहता है कि मुझे याद है कि मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसने नहीं कहा कि मरकर परमेश्वर का दर्शन खाऊंगा, शरीर में होकर पाऊंगा, चाहे ये फपोले हैं चाहे कुछ भी है, लेकिन मुझे याद है कि मेरा छुड़ाने वाला खड़ा होगा और मैं उसको देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परीक्षाओं से डरना नहीं है, हमें परीक्षाओं का सामना करना है। हाँ, अपनी ईमानदारी को याद रखिए, अपनी ईमानदारी को याद रखिए, अगर आप ईमानदार नहीं है परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। यस, बेवकूफ मत बनाइए दूसरों को, आमीन। सामने वाला मुझे बेवकूफ बना रहा है इसलिए मैं बेवकूफ बनाऊंगा, आपको हक नहीं है, आपको न्याय नहीं करना, परमेश्वर है न्याय करने के लिए। अपनी ईमानदारी अपने साथ रखिए, तब आप परीक्षाओं में स्थिर रह पाएंगे, परमेश्वर के संग जुड़ जाइए। हालेलुया, आमीन। जितनी परीक्षाएं आए उतना ही आप परमेश्वर के और करीब आइए, जितना आपको संसार परेशान करे उतना ही वचन पे चलिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप दुनिया के सामने गवाह के रूप में आएंगे, आने वाला वक्त युग आपको बताएगा कि क्या भाई क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ऐसे नहीं कहा कि मैं, आने वाले वक्त मुझे बताएगा, क्योंकि मरियम उस परीक्षा में जुड़ चुकी थी, नहीं उसे यूसुफ से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, और एक बच्चे को लेकर 9 महीने वो बचाती रही जाती रही परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया, अगर आज का वचन आपने ग्रहण किया, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं से भागिए मत, उनका सामना करिए, परमेश्वर को अपने संग खड़ा हुआ पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस पवित्र नाम के लिए परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हमें वो ताकत और सामर्थ्य दीजिए कि हम परीक्षाओं में स्थिरता के संग खड़े होकर तूने तेरी प्रतिज्ञा का किया हुआ मुकुट प्राप्त करें परमेश्वर, और तेरा आशीष पाएं और महसूस करें कि तू हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से जो भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए भी आशीष मांगता, सुख और चंगाई मांगता हूँ। मैं रिलीज करता हूँ यीशु के चंगाई के सामर्थ्य को परमेश्वर, यीशु के लहू से स्पर्श करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जितने भाई बहन देख रहे हैं विश्वास करिए आपको चंगाई मिल रही है। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किया। आमीन, आमीन।